बॉलीवुड में आतंकवाद, देशभक्ति और जंग पर कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जो इंडियन आर्मी के शूरवीरों की गाथा सुनाती है। शूरवीरों में भी उत्तम भारत की शान और दक्षिण एशिया का नक्शा बदलने वाले देश के एकमात्र फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। मेघना गुलजार की फिल्म सैम बहादुर का इंतजार कई महीनों से था और खासकर विकी कौशल का सैम बहादुर लुक लोग देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। फिल्म में विकी कौशल ने सैम बहादुर का किरदार बेहतरीन तरीके से निभाया है। विकी कौशल का अभिनय का कोई जवाब नहीं, बखूबी प्रतिभा के धनी एक्सट्रीमली टैलेंटेड विकी कौशल ने सैम बहादुर के इलस्ट्रेशन यानी चित्रण में कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी तरह से विकी कौशल किरदार में डूबे नजर आए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन कहीं ना कहीं फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी की भूमिका को जस्टिफाई नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था कि बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी फातिमा इंदिरा गांधी के कैरेक्टर में नहीं समा पाई। वहीं जवाहरलाल नेहरू का किरदार अच्छा दिखाया गया, लेकिन आर्मी बेस्ड फिल्मों में इन डेप्थ रिसर्च की जरूरत होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो या कोई फिक्शनल स्टोरी। इस फिल्म में ऐसा लगा कि हिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। सैम मानेकशॉ की पूरी लाइफ को 2.5 घंटे में एक साथ परोसना सही नहीं था। अगर मेघना गुलजार फिल्म की जगह सीरीज बनाती तो ज्यादा बेहतर होता। मेघना ने सैम बहादुर के इंटरव्यूज और 71 की जंग पर सैम मानेकशॉ के मीडिया इंटरव्यूज पर इस फिल्म की पटकथा लिखी है। फिल्म में जमकर देशभक्ति परोसने की कोशिश की गई, लेकिन फिल्म ज्यादातर दर्शकों के दिलों को नहीं छू पाई और ना ही फिल्म के सीन देखकर किसी दर्शक के रोंगटे खड़े हुए। हालांकि कुछ सीन और डायलॉग बहुत अच्छे दर्शाए गए, लेकिन मेघना गुलजार खुद अपने मापदंडों पर खरी नहीं उतरी। मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार दूंगी।